गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीमा गुप्ता, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर हम पढ़ लिए, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। टॉपिक है, शीर्षक का नाम क्या है? सीखने का आनंद। सीखने का आनंद, इसके कुछ शब्दार्थ हैं। एकत्रित, एकत्रित मीन्स होता है इकट्ठा करना। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है उजाला, रोशनी। सहनशीलता, सहने की शक्ति को क्या कहते हैं? सहनशीलता कहते हैं। सहने की शक्ति को क्या कहते हैं? सहनशीलता। निरंतर, लगातार, निरंतर लगातार यानी कि बार बार कोई चीज़ कंटिन्यू बार बार लगातार हो रही है तो उसको निरंतर कहते हैं। हुनर, हुनर कला, कला गुण, जैसे किसी में डांस करने का गुण होता है, किसी में अच्छा पढ़ने का गुण होता है, तो जो जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की कला होती है उसे क्या कहते हैं? हुनर कहते हैं। तेजस्वी, जिसमें तेज हो उसको क्या कहते हैं? तेजस्वी। उत्सुकता, इच्छा, उत्सुकता मतलब होती है जैसे किसी चीज़ को पाने की प्रबल इच्छा, उसको अंदर से मतलब एक प्रेरणा हो कि अभी प्रेरणा हो कि बार बार वो इस चीज़ को पाने की इच्छा करे, इसको क्या कहते हैं? उत्सुकता। हैरान, हैरान मीन्स होता है आश्चर्य। प्रकृति, वातावरण, प्रकृति क्या है? वातावरण है, पर्यावरण है। ढूंढना, खोजना, ढूंढना मीन्स क्या होता है? खोजना। तो ये है हमारा सीखने के आनंद का शब्दार्थ। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है कि दत्तात्रेय किसका पुत्र था? दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय किसका पुत्र था? वह एक ऋषि का पुत्र था। दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर क्या करता था? दत्तात्रेय जो है प्रकृति के बीच की रहकर क्या करता था? तो वह यह सोचता था कि ये प्रकृति हमारा स्कूल है, विद्यालय है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। वो उन्हीं के बीच में रहता था। तो इसका आंसर क्या होगा कि दत्तात्रेय प्रकृति के बीच रहकर उनमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं, उनसे अनेक प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? दत्तात्रेय जब प्रकृति के बीच होता था तो वह अलग अलग चीज़ों से, जैसे तितलियों से कुछ सीखता था, मकड़ियों से कुछ सीखता था, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से कुछ ना कुछ वह सीखने के लिए खोज लेता था। तो इस तरह थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? पेड़ों से दत्तात्रेय ने सीखा कि पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। ठीक है, पेड़ जो होते हैं दूसरों को क्या क्या देते हैं? फल देते हैं। पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कागज हुआ, मेज कुर्सी हुई, अनेक, और वो हमें फल फूल भी देते हैं। ये सब देने के बावजूद ये पेड़ जो है हमेशा उनकी डालियां जो क्या होती हैं, एक और झुकी रहती हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि पेड़ों से दत्तात्रेय ने सीखा कि पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। वो हमें झुकना सिखाते हैं, वो हमें अहंकार से सर उठाना नहीं, हमें हमेशा अपनी गलतियों पर सर झुकाने की शिक्षा देते हैं। दत्तात्रेय ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, दत्तात्रेय ने योग्यता निखारना किससे सीखा? योग्यता निखारना मतलब कि अपनी योग्यता को निखारना, अपने अंदर के गुणों को और भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शित करना, बहुत ज़्यादा उसे, तो ये किससे सीखा उसने? तो आंसर इसका ये होगा कि दत्तात्रेय ने मकड़ियों से योग्यता निखारना सीखा। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए मौखिक, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 4 क्वेश्चंस थे जो कि हमने पढ़ लिए। आइए हम आते हैं कुछ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1, दत्तात्रेय ने अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था? दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय कहाँ बिताता था? दत्तात्रेय जब भी
उसको कुछ भी सीखना होता था तो वो कहाँ आ जाता था, प्रकृति के बीच में आ जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा कि दत्तात्रेय अपना ज़्यादातर समय जंगलों व प्रकृति के बीच रहकर बिताता था, जिससे कि वो बहुत सारी चीज़ें सीख सके। दत्तात्रेय के गुरु कौन थे, दत्तात्रेय के गुरु कौन थे, दत्तात्रेय किससे सीखता था? प्रकृति से, पेड़ों से, पौधों से, मकड़ियों से, तितलियों से, जीव जंतुओं से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दत्तात्रेय के गुरु प्रकृति, पेड़ पौधे, मकड़ियाँ व समस्त जीव जंतु थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तितलियों से दत्तात्रेय ने क्या सीखा? तितलियाँ, वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता था, तो तितलियों से भी उसने कुछ सीखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तितलियों हमें जंगल जंगल से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। तो तितलियों से क्या सीखा कि जंगल जंगल से जानकारी इकट्ठा करना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दत्तात्रेय की किस बात को सुनकर राजा हैरान हो जाता है? दत्तात्रेय ऐसी कौन सी बात करता है जिससे कि राजा हैरान हो जाता है? इसका आंसर यह है कि राजा यह सब सुनकर हैरान हुआ हो जाता है कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा करके दूसरों में गुरु को ढूंढते हैं। मतलब प्रकृति ही हमारी ऐसी शिक्षा देने वाली है, हम प्रकृति के बीच में रहकर ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह हमारा ये थर्ड चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।